मामला जनपद के विकासखंड कुंदरकी की ग्राम पंचायत भांडरी का है, जहां पर सुनीता नाम की एक महिला सामुदायिक शौचालय पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, जिसके 3 माह के वेतन में घोटाला हुआ है। वहीं 3 माह का वेतन समूह के अध्यक्ष व ग्राम प्रधान द्वारा हड़प लिया गया है। जब इस संबंध में कुछ पत्रकार विकासखंड कुंदरकी पहुंचे तो वहां खंड विकास अधिकारी श्वेता शर्मा व ग्राम पंचायत सचिव नरेश कुमार अपने ऑफिस में नहीं मिले। वहीं उनके ऑफिस के सामने लिखे CUG नंबर पर संपर्क करना चाहा तो वो भी बंद आए, जो इस बात को गलत साबित करते हैं कि जहां सरकार का लगातार प्रयास चल रहा है कि अधिकारी अपने ऑफिस समय से पहुंचे व फोन पर संतुष्ट जवाब दे। ग्राम पंचायत पड़ती है भांडरी कुंदरकी विकास खंड के अंतर्गत, वहाँ पे एक केयर टेकर है जो शौचालय पे जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनका नाम है सुनीता। तो मामला है क्या, पूरा मामला ये है कि उनकी 3 महीने का जो वेतन बैठा है, जो 6,000 रुपये सरकार की तरफ से मानदेय उनका निर्धारित है, तो 18,000 रुपये का वेतन बनता है उनका 3 महीने का, और जो उनको रख रखाव के लिए शौचालय पे जो पैसे आते हैं पर मंथ 3,000 रुपये, तो 9,000 रुपये तो उसके रख रखाव के हो गए और 18,000 रुपये उसका मानदेय हो गया जो केयर टेकर है, तो कुल मिला के 27,000 रुपये का मानदेय उसका मेन वेतन बनता है जो 3 महीने का। लेकिन 27,000 रुपये में 11,000 रुपये का वेतन मुझे मात्र प्राप्त हुआ है जो सुनीता है जो केयर टेकर है, और जिसमें से 9,000 रुपये तो मौजूदा ग्राम प्रधान है हड़प लिए, और 7,000 रुपये जो समूह की सचिव है पूजा नाम है उसका, उसने हड़प लिए। इस संबंध में सभी अधिकारियों से बातचीत करना चाहा लेकिन वो समय पर कोई मिल नहीं पा रहा। इस संबंध में उनसे विजुअल लेने के लिए, उनकी वाइड लेने के लिए यहाँ हम आए हुए हैं। साथ ही देखना ही होगा कि क्या ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा या कोई कार्रवाई होगी।